नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं नवरात्रि ऐश्वर्या हाजिर हूँ आज के ताजा खबरों के साथ। लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। 32 एकड़ हाउसिंग बोर्ड पहुंच मार्ग में स्थित मंदिर में स्थापित बजरंग बली की प्रतिमा को अज्ञात लोगों ने किया खंडित, भड़का लोगों का आक्रोश, पुलिस ने आकर लोगों को कराया शांत। छत्तीसगढ़ विधानसभा की तारीखों का ऐलान होने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा, चुनाव के लिए भाजपा तैयार है और आने वाला है नया सवेरा। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा, है तैयार हम, शुरू हो चुका है युद्ध माटी के अभिमान का। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही निगम प्रशासन हुआ अलर्ट। दुर्ग निगम आयुक्त ने कार्यालय का निरीक्षण कर अधिकारियों कर्मचारियों को दिया आदर्श आचार संहिता का पालन करने का निर्देश। अब खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजनांदगांव पहुंचे, जहां शहर के बीएमसी मिल कॉलोनी राम मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की और सामुदायिक भवन निर्माण कार्य का पूर्व मुख्यमंत्री ने भूमि पूजन किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए कथित पीएससी घोटाले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए पत्र के बारे में चर्चा करने के साथ ही जातिगत जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा। प्रदेश में पीएससी मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हमेशा भ्रष्टाचार करती है, उसको छुपाने का काम करती है। आज लाखों नवयुवक मेरे पास चिट्ठी लिख रहे हैं, फोन करते हैं कि हमारे जीवन और हमारे भविष्य को खतरे में डाल दिया गया है। एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित हुआ, राम मंदिर के परिसर में सामुदायिक भवन का निर्माण 6 महीने पहले उसका भूमि पूजन हुआ था, आज उसका लोकार्पण हुआ और मुझे खुशी है वार्ड वासियों ने इस मंदिर को काफ़ी अच्छे से विकसित किया है और विधायक मत से मैंने भी सहयोग किया। आने वाले समय में निश्चित रूप से देश का वातावरण बदल रहा है, यहाँ जैसे राम मंदिर का विकास हो रहा है वैसे ही अयोध्या में भव्य राम जन्मभूमि में मंदिर का निर्माण एक नई परंपरा, एक नई संस्कृति और देश के इतिहास में एक नया पन्ना जुड़ने वाला है। तो मुझे लगता है कि देश में मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार तेजी के साथ समाज में विकास हुआ है, संस्कृति में विकास हुआ है, हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। पीएससी को लेकर आपने सीबीआई जांच की मांग की है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने सीबीआई पर बैन लगाई है। सरकार हमेशा भ्रष्टाचार करती है, उसको छुपाने का काम करती है। आज लाखों नवयुवक मेरे पास चिट्ठी लिखते हैं, फोन करते हैं कि हमारे जीवन, हमारा भविष्य को खतरे में डाल दिया भूपेश बघेल ने। 50-50 लाख में पद बिके हैं, लाखों नवयुवक पीएससी का एग्ज़ाम क्यों दें जब सिर्फ पीएससी का चेयरमैन, उनके रिश्तेदार और कांग्रेस के नेताओं के बच्चे ही टॉप 18 में आते हैं। इसका मतलब ये है कि गरीब बच्चा मेहनत करना बंद कर दे। मैंने उनकी भावनाओं को देखते हुए प्रधानमंत्री जी से सीधा आग्रह किया है कि छत्तीसगढ़ के लाखों बच्चों का मन में जो शंका है उसको दूर करने के लिए, ये भ्रष्टाचार हुआ है, 100% हुआ है, आगे भविष्य के लिए भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने के लिए सीबीआई जांच करके अपराधियों को कार्रवाई और जो सेलेक्ट गलत हुए हैं उनको हटाने की प्रक्रिया करना जरूरी है, ये बच्चे चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने जातिगत जनगणना को लेकर आक्रोश किया है और भाजपा को ओबीसी विरोधी बताया। जब चुनाव आखिरी दिन आता है तो मुख्यमंत्री ऐसी बात करते हैं, 5 साल में क्या कर लिए, 5 साल रहने के बाद क्या किए, आज तक बिहार में बाकी जगह होता गया, तो अब आचार संहिता लगने वाला है कल, तो आज घोषणा हो रही है। धन्यवाद सर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बिरनपुर आगजनी मामले में सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के मद्देनजर प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर बहुसंख्यक हिंदू समाज के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण कार्यवाहियों के लिए जमकर लताड़ लगाई। अरुण साव ने कहा कि भुवनेश्वर साहू की हत्या के आरोपियों पर कार्यवाही न करके प्रदेश की भूपेश सरकार जिस प्रकार अन्य मामलों में हिंदू युवकों के खिलाफ झूठे मामले कायम करके उन्हें प्रताड़ित कर रही थी, सत्र ने उन सभी 8 आरोपियों को दोष मुक्त करके पूरी जांच प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। हम सबको याद होगा वो 8 अप्रैल का दिन, जब एक निर्दोष युवक भुवनेश्वर साहू का
बेदर्दी से, दर्दनाक तरीके से हत्या हुई थी और लगातार सरकार ने इस मामले में एक तरफा कार्यवाही की। अनेक अवसर आए जब हमने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार बहुसंख्यक हिंदू समाज के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही कर रही है। एक तरफ जो भुवनेश्वर साहू के परिजनों ने 40-41 अभियुक्तों का नाम दिया, उनमें से केवल 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई, शेष की आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई और सरकार एक तरफा कार्यवाही करके कभी आगजनी का मामला हिंदू समाज के ऊपर बनाया, कभी 302 का मामला बनाया और हिंदू समाज के लोगों को लगातार प्रताड़ित किया, परेशान किया। लगातार पुलिस के लोग उनके घरों में गए और बहुसंख्यक हिंदू समाज के बीच में दहशत और दबाव का वातावरण बनाने का काम किया। सत्र न्यायालय का फैसला आया है, वो सत्र न्यायालय का फैसला हमारी बातों को प्रमाणित करता है कि किस प्रकार से सरकार ने बहुसंख्यक हिंदू समाज के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही किया और जो अभियुक्त बताए थे भुवनेश्वर साहू के पिता, उनके भाई ने जितनी संख्या बताई थी, आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन अभियुक्तों को न पूछताछ की गई, न उनकी गिरफ्तारी की गई और आज भी वो खुले घूम रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर निरपराध हिंदू समाज के नौजवानों को झूठे मुकदमे में फंसाकर उनको जेल में डाला और कल जो फैसला आया है और पैराग्राफ 25 में सभी 8 आरोपियों को न्यायालय ने उपरोक्त सभी धाराओं के आरोपों से दोष मुक्त किया जाता है, ये फैसला दिया है। ये फैसला इस बात को बताता है कि राज्य की सरकार किस प्रकार से बहुसंख्यक हिंदू समाज के खिलाफ कार्यवाही कर रही है और आरोपियों को बचाने का काम कर रही है, ये इस बात को बताता है। और इसलिए ये सरकार आज भी जो आरोपी बताए गए हैं भुवनेश्वर साहू के हत्या के मामले में, 40 लगभग लोगों का नाम जो आप सब ने देखा था, सुना था, उनको आज तक गिरफ्तार नहीं किया है। बहुसंख्यक हिंदू समाज के लोगों को झूठे मुकदमे में जेल में डालकर इस तरह से प्रताड़ित और परेशान किया गया है और ये लौजवाब के कारण से ये घटना हुई थी और ये किस प्रकार से आज प्रदेश में कानून व्यवस्था के हालात है, ये इस बात को स्पष्ट करता है। माननीय न्यायालय ने उन्हें दोष मुक्त किया है और पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और विवेचना अधिकारी के खिलाफ जांच करने का आदेश दिया है। लगातार इस विषय पर लेकर हम शुरू से कहते रहे हैं कि सरकार एक तरफा कार्यवाही कर रही है। जो भुवनेश्वर साहू के हत्या के वास्तविक दोषी हैं, उनको बचाने का काम सरकार कर रही है और हिंदू समाज के लोगों पर झूठे मुकदमे बना रही है। आज जो माननीय न्यायालय ने फैसला दिया है, उससे स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो गया कि बहुसंख्यक हिंदू समाज के लोगों को झूठा फंसाए जाने का काम हुआ है और जो भुवनेश्वर साहू के हत्यारे हैं, उनको बचाने का काम सरकार ने किया है। इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि दोषी लोगों को सजा मिल सके। एक सवाल, आजकल महिलाएं युवतियां नशे में धुत नजर आ रही है, हंगामा कर रही है, कई वीडियो आ चुके हैं, वायरल हो चुका है, इसमें क्या कहना है आपने? लगातार हम इस बात को कहते रहे हैं कि भूपेश, अकबर और ढेबर की सरकार ने छत्तीसगढ़ को नशे का गढ़ बना दिया है और आज उसका पूरा परिणाम ये दिख रहा है।
और जिस सरकार को जो नौजवानों के सपनों को तोड़ने का काम करे, छत्तीसगढ़ को बदहाल करने का काम करे, छत्तीसगढ़ के भविष्य को खराब करने का काम करे, ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का बिल्कुल हक नहीं। 32 एकड़ हाउसिंग बोर्ड पहुंच मार्ग के समीप बने मंदिर में स्थापित बजरंगबली की प्रतिमा को अज्ञात लोगों द्वारा खंडित कर दिया गया। इसकी जानकारी लगते ही सोमवार सुबह लोगों की भीड़ यहां पहुंच गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घटना से आक्रोशित लोगों को शांत करवाया। गौरव पथ रोड ओम शांति चौक से हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पहुँच मार्ग के किनारे 32 एकड़ परिसर में स्थापित एक मंदिर परिसर में घुसकर अज्ञात लोगों द्वारा रविवार सोमवार की दरमियानी रात मंदिर में विराजमान बजरंगबली की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया। साथ ही यहां रखे कलश की भी चोरी कर ली गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही सोमवार सुबह मंदिर परिसर में सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई। सभी इस घटना की निंदा करते हुए इस कार्य में संलग्न आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। मूर्ति को खंडित करने की घटना और लोगों के मंदिर परिसर के समीप एकत्र होने की जानकारी लगते ही सीएसपी छावनी आशीष बंछोर छावनी और जामुल टीआई के साथ मौके पर पहुंचे। सीएसपी आशीष बंछोर ने मंदिर परिसर में मौजूद भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष स्वीटी कौशिक सहित अन्य लोगों से विस्तार से चर्चा की। उपस्थित सभी लोगों ने एक स्वर में तत्काल आरोपियों को गिरफ्तार करने पुलिस प्रशासन से मांग की। छावनी सीएसपी ने महिला मोर्चा की अध्यक्ष स्वीटी कौशिक सहित अन्य लोगों की बातों को गंभीरता से सुना और तत्काल ही मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों को आरोपियों की गिरफ्तारी करने को लेकर दिशा निर्देश दिए। उपस्थित लोगों ने पुलिस के अधिकारियों से मंदिर के आसपास देर रात तक असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगे रहने की जानकारी दी। साथ ही यह भी बताया कि इन असामाजिक तत्वों द्वारा नशाखोरी कर सड़क से गुजरते लोगों को डराने धमकाने की कोशिश की जाती है, जिसकी वजह से रात के समय हाउसिंग बोर्ड पहुँच मार्ग से गुजरना सुरक्षित नहीं रह गया है। मंदिर परिसर में रखी प्रतिमा को खंडित करने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष स्वीटी कौशिक ने प्रतिक्रिया दी। जय श्री राम। आज फिर पिछले महीने भी हर महीने एक एक हमारी हनुमान जी की जो मूर्तियां हैं वो तोड़ी जा रही हैं। आज उसी कड़ी में ही इस महीने हमारे ये यहाँ के आम्रपाली के पास जो रोड है ना, तो वहाँ पे जो मंदिर है, आज इसकी बारी थी, आज इसको तोड़ा गया है। हनुमान जी की आधी मूर्ति, आधा जो मुंह है वो विक्षिप्त हुआ है और उनके गधे को भी चोट पहुंची है और जो दिया बाती रखने का जो सामान था वो सब क्षतिग्रस्त किया है। ये जानबूझ के, सोच समझ के, होश और हवास में किया गया ये काम। ये हम सनातनियों के दिल दिमाग के साथ खेलने वाली एक बात है। ये तुष्टिकरण की राजनीति की पराकाष्ठा है और हम सब सनातनी बहुत ज़्यादा इससे शोभित हैं और बहुत दुख में है। कुछ मेरी बहनें, हम लोग के तो आंखों में आंसू तक आ गए। ऐसे लग रहा है किसी ने हमारे ऊपर घात किया हो। तो ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। कब बंद होंगी? उन्होंने आश्वासन दिया है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और वो बिल्कुल संज्ञान में ले रहे हैं। अभी FIR भी हो रही है और वो उन्होंने आश्वासन तो दिया है, देखते हैं। पहले भी जो काम हुए उसमें भी आश्वासन दिया है, लेकिन हम लोगों को आज तक पता नहीं चला कि उस जो उन्होंने जो भी क्या कार्रवाई की है आज तक वो हमें अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है। और इसमें भी क्या होगा इसमें, लेकिन इस ये जो अभी जो कृत्य हुआ है अब, लेकिन हम लोग इसको लगातार हम इसको मॉनिटर करेंगे, कहाँ तक कार्रवाई पहुँच रही है, क्या हो रहा है। शायद अगर अभी ये संज्ञान में, अच्छे से संज्ञान में लेके, और अगर हम लोग कल्प्रिट को पकड़ते हैं और कठोर सजा देते हैं तो शायद इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। देखिए, गिरफ्तारी अगर नहीं होती है तो हम आंदोलन करेंगे, बिल्कुल आंदोलन करेंगे और हम सब मिलके करेंगे, क्योंकि ये चीज़ों की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। जामुल थाना प्रभारी केशव कोसरे ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर प्रयास तेज कर दिए गए हैं। ओम शांति चौक के पास 32 एकड़ क्षेत्र में हनुमान जी के मंदिर में कोई अज्ञात चोर द्वारा मंदिर का कलश चोरी कर मूर्ति से छेड़खानी, हनुमान जी के मूर्ति से छेड़खानी की गई है, जिसमें थाना जामुल में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और आरोपी की पत्तासाजी की जा रही है। चोरी में मंदिर का कलश चोरी हुआ है, जिसका मूल्य लगभग 3000 रुपये का है। अज्ञात चोरों का पता की जा रही है। बहरहाल पुलिस प्रशासन ने प्रतिमा को खंडित करने के मामले में संलग्न आरोपियों की गिरफ्तारी करने को लेकर प्रयास तेज कर दिए हैं।
आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने की स्थिति में भाजपा महिला मोर्चा ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के तत्वाधान में दुर्ग जिला ओलंपिक संघ द्वारा रविवार को संध्या 4 बजे से फिट भिलाई मूवमेंट के अंतर्गत 6 किलोमीटर की भिलाई मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ में विभिन्न खेल संघों भिलाई दुर्ग के युवा भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के साथ दौड़े। लगभग 5,000 बालक बालिका एवं पुरुष महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया। भिलाई मैराथन दौड़ का प्रारंभ इस्पात क्लब सेक्टर 1 क्रिकेट ग्राउंड से ए मार्केट सेक्टर 1 से सेक्टर 2 चौक से सेंट्रल एवेन्यू होते हुए पुलिस पेट्रोल पंप सेक्टर 6 से बाएं मुड़कर कला मंदिर से मॉन्यूमेंट पार्क होते हुए शहीद गार्डन सिविक सेंटर में समाप्त हुई। अब वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द मिलेंगे। नमस्कार, अब टीवी देखना, सीरियल देखना, धार्मिक चैनल देखना, छत्तीसगढ़ी न्यूज देखना, छत्तीसगढ़ी गाने देखना और भी आसान। जी हाँ, ग्रैंड एशियन भिलाई आपके लिए लाया है एक शानदार पैकेज, ग्रैंड महापैक। जी हाँ, जिसमें आप पाएंगे 40 से भी ज्यादा HD चैनल, स्टार, जी, सोनी, कलर्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, मूवी, कार्टून, 40 लोकल चैनल, जिसमे 6 छत्तीसगढ़ी चैनलों के साथ सूफी टीवी, गुरबानी, कॉमेडी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, फिल्मी गाने, सभी भाषाओं के चैनल जैसे सिंधी, तेलुगु, तमिल, मलयाली, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगाली एवं अन्य भाषाओं के चैनल्स। साथ ही साथ 3 लोकल न्यूज चैनल्स, ग्रैंड एशियन न्यूज, ग्रैंड न्यूज लोकल और ग्रैंड न्यूज राष्ट्रीय। तो जल्द इस ऑफर का लाभ उठाएं मात्र 350 रुपए में। जी हाँ, सिर्फ 350 रुपए में ये सारे पैकेजेस आपको दिए जा रहे हैं। तो आज ही संपर्क करें अपने केबल ऑपरेटर या ग्रैंड एशियन भिलाई ऑफिस। तो हमारा नंबर है 07884011778। आप जल्द ही संपर्क कर सकते हैं और इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। घोषणा नहीं गारंटी। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में केजरीवाल की गारंटी, ज्वलंत मुद्दों पर आवाज उठाने हैं तैयार आपकी सरकार। रोजगार गारंटी, 10 लाख सरकारी नौकरी, 3,000 रुपए महीने की बेरोजगारी भत्ता, बिजली बिल की गारंटी, 300 यूनिट, 24 घंटे मुफ्त बिजली, घरेलू बकाया बिल माफ, महिलाओं को गारंटी, 18 प्लस आयु की सभी महिलाओं को 1,000 रुपए महीने, छत्तीसगढ़ की सभी महिलाओं को निःशुल्क सम्मान। आम आदमी पार्टी से दुर्ग विधानसभा से प्रबल दावेदार SK अग्रवाल, लोकसभा अध्यक्ष, दुर्ग आम आदमी पार्टी सदस्य, चुनाव घोषणा पत्र समिति, छत्तीसगढ़ पूर्व प्रत्याशी, साथ ही आम आदमी पार्टी दुर्ग शहर। जी हां, दुर्ग विधानसभा से प्रबल दावेदार SK अग्रवाल। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयां, दाग धब्बे, फोड़े, फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हां, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, यहां पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्तरोग, चर्मरोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्तरोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा ना होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्तरोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा ना होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंगरीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग, मोबाइल नंबर 9981659182। मेरे देश की धरती
सोना उगले उगले हीरे मोती। जी हाँ, धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में खेतों में काम आने वाले हार्वेस्टर उच्च क्वालिटी व गुणवत्ता के दुर्ग कमला मोटर्स में उपलब्ध। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर 5C9500 डीलक्स मॉडल। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन मशीन कृषकों की सुविधा का ख्याल रखते हुए अब हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। साथ ही साथ सभी तरह के हार्वेस्टर। हमारा पता कमला मोटर्स, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग। तो देर किस बात की है। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रामा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 777-30-777-11, 777-30-777-22। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, जीई रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर 1 के बाद आप सभी का स्वागत है। भारत निर्वाचन आयोग ने सोमवार को चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया। इसे लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि चुनाव आयोग ने आज चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी तैयार है। छत्तीसगढ़ की जनता को इंतजार है कि छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार मुक्त हो, छत्तीसगढ़ अपराध मुक्त हो, छत्तीसगढ़ खुशहाल और तरक्की की ओर बढ़े। छत्तीसगढ़ की जनता तैयार है, भारतीय जनता पार्टी तैयार है और निश्चित रूप से एक नया सवेरा आने वाला है। वहीं चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही सीएम भगेल ने ट्वीट किया है। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा है तैयार हम, शुरू हो चुका है युद्ध माटी के अभिमान का, नहीं रुकेगा अब ये रथ छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान का। आज जो छत्तीसगढ़ की दुर्दशा कांग्रेस पार्टी की सरकार ने की है, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने के लिए चुनाव के मैदान में जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ये जो नशे का गढ़ छत्तीसगढ़ को बना दिया है, उसके खिलाफ खुशहाल प्रदेश बने, समृद्ध प्रदेश बने, नौजवानों के सपने साकार हों, नौजवानों को उनका भविष्य संवारने का अवसर मिले, माताओं बहनों को सुरक्षा मिले, छत्तीसगढ़ के सुव्यवस्थित गांव और शहरों का विकास हो, लोग खुशहाल हों, समृद्ध हों, ऐसा प्रदेश बनाने के लिए हम चुनाव लड़ेंगे। और इसके लिए राज्य की जो कांग्रेस की सरकार है उसको उखाड़ फेंकना आवश्यक है। अटल जी के सपनों के अनुरूप एक खुशहाल छत्तीसगढ़, एक समृद्ध छत्तीसगढ़, एक विकसित छत्तीसगढ़ बने, इसके लिए हम चुनाव के मैदान में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है, छत्तीसगढ़ की जनता भी तैयार है।
और छत्तीसगढ़ खुशहाल बने, छत्तीसगढ़ समृद्ध बने, छत्तीसगढ़ विकास की ओर आगे बढ़े, छत्तीसगढ़ के नौजवानों को उनके भविष्य संवारने का अवसर मिले, निष्पक्ष अवसर मिले, माताएं बहनें सुरक्षित हो, इन मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था का राज हो, इन विषयों को लेकर आज छत्तीसगढ़ की जनता चिंतित है। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहेगी जिसने 2018 के एक भी वादे पूरे नहीं किए, पौने पांच साल ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया, विकास को अवरुद्ध किया। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता तैयार है। चुनाव की तारीखों के ऐलान होने का इंतजार है, आज ऐलान हो जाता है तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप, अटल जी के सपनों के अनुरूप छत्तीसगढ़ बने, इसके लिए छत्तीसगढ़ की जनता तैयार है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है, छत्तीसगढ़ की जनता भी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। जिस प्रकार से पौने पांच सालों में भूपेश अकबर और ढेबर की सरकार ने छत्तीसगढ़ की दुर्दशा की है, दुर्गति की है, छत्तीसगढ़ को जिस प्रकार से दोनों हाथ से लूटने का काम किया है, छत्तीसगढ़ को जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का गढ़ बनाया, घोटाले का गढ़ बनाया, नशे का गढ़ बनाया, धर्मांतरण का गढ़ बनाया, माफियाओं का गढ़ बनाया, विकास को अवरुद्ध किया, हर वर्ग को ठगने का धोखा देने का काम किया, तो छत्तीसगढ़ की जनता इसी सरकार से छुटकारा पाना चाहती है और इसलिए चुनाव की प्रतीक्षा कर रही है। और छत्तीसगढ़ की खुशहाली और तरक्की के लिए छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को राज्य की कमान सौंपने के लिए तैयार है। मुद्दे तो देखिए, बस्तर और सरगुजा की जो दुर्दशा राज्य की कांग्रेस की सरकार ने की है, विकास पूरी तरह से अवरुद्ध है, कोई काम वहां नहीं हुआ विकास के, जो विकास की परियोजनाएं हमारी सरकार में प्रारंभ हुआ था वो सारे इन्होंने ढप कर दिए हैं। परेशान है वहां के लोग, न बिजली, न पानी, न सड़क, न स्वास्थ्य, न शिक्षा, किसी तरह कोई काम वहां पर नहीं हुआ है और इसलिए वहां की जनता में बड़ा आक्रोश है, गुस्से में है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही सरकारी अमला हुआ अलर्ट, शहर में लगे जनप्रतिनिधियों के प्रसार प्रचार के बैनर पोस्टर हटाया जा रहा है। वहीं निगम आयुक्त कार्यालय का निरीक्षण कर अधिकारी और कर्मचारियों को दिया निर्देश। भारत सरकार निर्वाचन आयोग द्वारा देश के पांच राज्यों में आगामी दिनों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को देखते हुए आदर्श आचार संहिता की घोषणा प्रेस वार्ता के माध्यम से की गई। इसी कड़ी में दुर्ग नगर निगम आयुक्त द्वारा लागू आचार संहिता का पालन करते हुए निगम परिसर स्थित सभी कार्यालयों का औचक निरीक्षण कर सभी अधिकारी और कर्मचारी को निर्देशित किया। इस दौरान उन्होंने निगम परिसर में लगे होर्डिंग बैनर को हटवाया, साथ ही शहर में लगे राजनीतिक पोस्टर बैनर को हटाने के निर्देश दिए। आचार संहिता लगते ही जो हमको निर्देश है कि 24 घंटे में बहुत सारे पोस्टर्स वगैरह जो प्रचार वगैरह है वो हटाने थे, और साथ में विभिन्न जो कार्यालय है उसमें भी हमको इंस्पेक्शन करके देखना है कि कहीं भी कोई ऐसी सामग्री तो नहीं है जिसपे बाद में बोला जाए कि आचार संहिता का उल्लंघन हो। सभी कर्मचारी लोग को भी निर्देशित किया गया है कि आचार संहिता के नियमों का पालन करें, और अभी हमारी टीम नगर में भी भ्रमण करेगी और जहाँ जहाँ भी विभिन्न राजनीतिक दलों के पोस्टर्स वगैरह लगे हैं उसको हटाने की कार्रवाई की जाएगी। बताना चाहेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सोमवार से चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू होने के विधिवत घोषणा कर दी है। इसके बाद से ही सरकारी अमला एक्शन मोड पर आ गया है। दुर्ग नगर निगम के आयुक्त लोकेश चंद्राकर निगम के विभागों में निरीक्षण कर जनप्रतिनिधियों के बैनर पोस्टर हटवाने के निर्देश दिए हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। ट्रांसपोर्ट नगर में वर्षों पूर्व बनाया गया पुल पूरी तरह से जर्जर होकर ढहने की कागार पर पहुंच चुका है। इस पुल से लगातार 24 घंटे भारी वाहनों की आवाजाही बनी रहती है। कोई हादसा हो इसके पूर्व तत्काल इसका संधारण किए जाने की जरूरत है। ट्रांसपोर्ट नगर हथखोज पुल अब पूरी तरह से जर्जर होकर ढहने की कागार पर पहुँच चुका है। इस पुल से लगातार ट्रांसपोर्ट नगर आने और ट्रांसपोर्ट नगर से जाने भारी वाहनों की आवाजाही बने रहती है। पुल का निर्माण वर्षों पूर्व कराया गया था। वर्तमान में पुल में अब बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। इसमें लगाई गई सरिया जगह जगह से निकल रही है। पुल के एक ओर नगर पालिक निगम भिलाई का क्षेत्र है तो वहीं दूसरी ओर नगर पालिका निगम भिलाई 3 चरोदा का क्षेत्र है। दोनों ही नगर निगम के प्रशासन द्वारा पुल के संधारण अथवा नए पुल के निर्माण को लेकर सालों से कोई पहल नहीं की गई, जिसका खामियाजा पुल से होकर गुजरते भारी
भारी वाहन चालकों के साथ साथ दूसरे अन्य छोटे वाहन चालकों को भी भुगतना पड़ रहा है। हथखोज पुलिया भिलाई नगर निगम क्षेत्र से कई ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ती है, जिसकी वजह से विभिन्न औद्योगिक संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों की आवाजाही भी हथखोज पुलिया से निरंतर बनी रहती है। यह पुलिया पूरी तरह से जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है। पुल से भिलाई नगर निगम और चरुदा नगर निगम के अधिकारियों की आवाजाही भी बने रहती है, लेकिन दोनों ही नगर निगम के अधिकारियों द्वारा इसकी स्थिति देखकर भी अनदेखा किया जा रहा है। पुल से आवाजाही करना भारी वाहन चालकों के लिए खतरनाक साबित होने लगा है, लेकिन यही एकमात्र पुल है जो ट्रांसपोर्ट नगर को जोड़ता है। इससे वाहन चालकों की मजबूरी भी पुल से गुजरने को लेकर बने रहती है। ट्रांसपोर्ट नगर में सैकड़ों ट्रांसपोर्टरों के ट्रांसपोर्ट हैं। यहाँ विभिन्न प्रदेशों से भारी वाहन कई टन वजनी सामानों को लेकर पहुँचते हैं। इससे पुल ढहने का अंदेशा लगातार बने रहता है। सामाजिक कार्यकर्ता सुमनशील और स्थानीय रहवासियों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। लाइव का यह एक स्थल जहाँ पर की चार पहिए ट्रक एवं ट्रेलर का आवागमन लगा रहता है, जहाँ की सड़क का उच्च स्तर की सड़क बनाने की आवश्यकता है, परंतु निम्न स्तर का सड़क बनाने के चलते जहाँ सड़कों की हालत सालों दिन सड़क बनने के उपरांत जर्जर अवस्था में है, वही एक मुख्य ट्रांसपोर्ट नगर की जाने वाली ट्रांसपोर्ट का जो पुल है उसका हालत आज इस तरह का है कि आज रात्रि के समय आए दिन यहाँ पे सड़क को जो टू व्हीलर वाहन है उसे कहीं ना कहीं दुर्घटना का शिकार होना पड़ रहा है। और आप खुद देख सकते हैं कि ये जो वाहन अब जा रहा है इसका हालत आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से क्रेक है और कभी भी एक बड़ी दुर्घटना घट सकता है। परंतु इसके बावजूद जहाँ कि यहाँ पर लोगों का और कई हजारों वाहनों का प्रतिदिन आवागमन लगा रहता है, परंतु प्रशासन या तो कहे देखकर भी आँख मूंद कर बैठी हुई है, जिसके चलते आए दिन इस चौक पर जहां बड़ी बड़ी दुर्घटना हो रही है वही यही पुल के कारण भी लोगों को कई तरह की परेशानी से जूझना पड़ रहा है। जबकि यहां स्थल भिलाई नगर निगम और नगर भिलाई चरोदा नगर निगम दोनों के बीच स्तर है और हमारे मुख्यमंत्री जी का भी निवास स्थल यहाँ से मात्र केवल 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर निवास करते हैं, परंतु इस दुर्दशा के चलते आज इस तरह की समस्याओं से अगर जूझना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं यह सोचने का विषय है। इसलिए प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि समय रहते इस पुल का ध्यान दें और यथाशीघ्र इस पर कार्य करवाने का कार्य करवाए। रेगुलर यहाँ से आना जाना होता है, मैं एक मजदूर हूँ और यहाँ पे हजारों लोग इस रोड से आना जाना करते हैं। जैसे ये पुल कई सालों से बना हुआ है, लगभग ये 50 साल हो चुका है पुल को बना हुआ, इनका एक्सपायरी डेट का समय है, उनके बावजूद भी ट्रांसपोर्टर इन पर रोड गाड़ी देकर रखो या रोड जाम कर रोज खड़ा करते हैं सर, और रोज एक्सीडेंट होता है। इसके लिए हमारा प्रशासन कार्रवाई करे और ये मृत्यु दर को कम करे। इस चौक पर इससे पहले भी कई मृत्यु हो चुका है और ये रोड निर्माण जब तक ठीक नहीं होगा या पुल की चौड़ीकरण नहीं होगा ये मृत्यु दर कम नहीं होगा यहाँ पर। और ये ट्रांसपोर्ट रोड को थोड़ा सा गाड़ी को लाइन अप करे और शाम के समय ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखे। प्रशासन से मेरा विनम्र निवेदन। यहाँ पर पुलिया में जो ट्रैक आया सीधा गाड़ी को लेन में रखा हुआ था तो उसने क्या किया, बगल में निकालने के चक्कर में स्पीड में सीधा पुल के नीचे गिर गया। और उनके बाद में फिर एक गाड़ी और फिर रिवर्स करने के लगा, वो भी गाड़ी अंदर में घुस गई, महाराष्ट्र की गाड़ी थी वो। बहरहाल वर्षों पूर्व बनाए गए इस पुल के संधारण का कार्य तत्काल शुरू किए जाने की जरूरत है, जिससे लोगों की जान माल सुरक्षित रहने के साथ सभी को सुविधाजनक और सुरक्षित आवागमन का लाभ मिल सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। भारत सरकार निर्वाचन आयोग द्वारा देश के 5 राज्यों में आगामी होने जा रहे विधानसभा चुनाव को देखते हुए आदर्श आचार संहिता को प्रेस वार्ता के माध्यम से सोमवार से लागू कर दिए जाने के बाद नगरपालिक परिषद कुम्हारी के मुख्य नगरपालिक अधिकारी जितेंद्र कुशवाहा ने पालिक परिषद पहुंचकर अधिकारी कर्मचारियों को आदर्श आचार संहिता का पालन करने निर्देशित किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय में परिसर में लगे होर्डिंग बैनर पोस्टर को हटाने के निर्देश भी दिए। आज जैसा कि आप सभी को विदित हो कि निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए निर्देशानुसार समस्त जैसे ही चुनाव के सूचना का ऐलान किया जाता है उसके पश्चात आदर्श आचार संहिता लागू हो जाता है। आदर्श आचार संहिता अंतर्गत मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगते के साथ
हमारे द्वारा शासकीय संपत्ति विरूपण की कार्रवाई की जाती है, उसी शासकीय संपत्ति विरूपण अधिनियम अंतर्गत पालिका के द्वारा विभिन्न कार्रवाई किया जाता है। हमारे देश की सबसे अच्छी और खूबसूरती हमारे लोकतंत्र की है, और लोकतंत्र को सबसे मजबूत बनाने का जो अवसर आता है, जो त्यौहार आता है, हमारे चुनाव ही आते हैं। तो हम सभी नगरवासियों से अपील करेंगे कि आप अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें और एक स्वस्थ माहौल का निर्माण करें, जिससे कि राष्ट्र आगे बढ़ सके। एक बार फिर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द मिलेंगे। नमस्कार, अब टीवी देखना, सीरियल देखना, धार्मिक चैनल देखना, छत्तीसगढ़ी न्यूज देखना, छत्तीसगढ़ी गाने देखना और भी आसान। जी हाँ, ग्रैंड एशियन भिलाई आपके लिए लाया है एक शानदार पैकेज, ग्रैंड महापैक। जी हाँ, जिसमें आप पाएंगे 40 से भी ज्यादा HD चैनल, स्टार, जी, सोनी, कलर्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, मूवी, कार्टून, 40 लोकल चैनल, जिसमें 6 छत्तीसगढ़ी चैनलों के साथ सूफी टीवी, गुरबानी, कॉमेडी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, फिल्मी गाने, सभी भाषाओं के चैनल जैसे सिंधी, तेलुगु, तमिल, मलयाली, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगाली एवं अन्य भाषाओं के चैनल्स। साथ ही साथ 3 लोकल न्यूज चैनल्स, ग्रैंड एशियन न्यूज, ग्रैंड न्यूज लोकल और ग्रैंड न्यूज राष्ट्रीय। तो जल्द इस ऑफर का लाभ उठाएं मात्र 350 रुपए में। जी हां, सिर्फ 350 रुपए में ये सारे पैकेजेस आपको दिए जा रहे हैं। तो आज ही संपर्क करें अपने केबल ऑपरेटर या ग्रैंड एशियन भिलाई ऑफिस। तो हमारा नंबर है 07884011778। आप जल्द ही संपर्क कर सकते हैं और इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। टेंशन ना लो, शिवा लो। प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान, बच्चों से ही है कल का भविष्य। तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं नर्सरी से कक्षा 8वीं तक। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निशुल्क प्रवेश स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए। इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है, पुस्तकालय सुविधाएं हैं, CCTV कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहां मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट ACC बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर, उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर, चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, S और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर।
इनमें कई विशेषताएं हैं जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रियल टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं, कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सबसे ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। आप सभी का स्वागत है। पूर्व में कुम्हारी थाने के थाना प्रभारी रहे केशव राम कोसले ने स्थानांतरण के पश्चात जामुल थाने का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत थाना प्रभारी केशव कोसले ने थाने की स्टाफ की मीटिंग ली। मीटिंग में असामाजिक तत्वों की धरपकड़, सट्टा जुआ कबाड़ जैसे गैर कानूनी कार्यों में संलग्न लोगों की गिरफ्तारी को लेकर थाने के स्टाफ को निर्देश दिए। जामुल थाना प्रभारी केशव राम कोसले ने रात्रिकालीन गश्त की जानकारी ली। गश्त को और अधिक मजबूत बनाने जामुल थाना अंतर्गत सभी क्षेत्रों में रात्रिकालीन गश्त निरंतर जारी रखे जाने को लेकर दिशा निर्देश दिए। साथ ही क्षेत्र के लोगों से रात्रि के समय अनावश्यक रूप से घरों से नहीं निकलने की अपील भी की। जामुल थाना के नव नियुक्त थाना प्रभारी केशव राम कोसले ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जामुल क्षेत्र में चलने वाले अवैध गतिविधियों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी तथा लोगों से आग्रह की जाती है कि कोई भी असामाजिक गतिविधियां कहीं भी संचालित हो तो थाना प्रभारी के थाना फोन नंबर पर फोन करके बताइए, आवश्यक रूप से कार्रवाई की जाएगी। रात्रिकालीन गश्त को पहले की तुलना में अधिक कर दी जाएगी और लोगों से यही अपील है कि एक निश्चित समय के बाद अपने घरों में रहिए, बेवजह घूमिए मत। गौरतलब है कि कुम्हारी थाना प्रभारी रहने के दौरान केशव राम कोसले ने असामाजिक गतिविधियों में संलग्न लोगों की गिरफ्तारी को लेकर निरंतर विशेष अभियान चलाया था, जिसका असर भी देखने को मिला। कुम्हारी में जुआ, सट्टा, अवैध शराब जैसे गैर कानूनी कार्य पूरी तरह से बंद रहे। जामुल थाना क्षेत्र में सट्टा खिलाने वाले और कबाड़ी का कार्य करने वाले सक्रिय हैं। अब जामुल क्षेत्र में सट्टा और कबाड़ के कारोबार पर नए थाना प्रभारी कितना अंकुश लगा पाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। नगरपालिका परिषद जामुल के अध्यक्ष ईश्वर सिंह ठाकुर ने अपने सरल स्वभाव और उच्च व्यक्तित्व का परिचय देते हुए एक मिसाल कायम कर दी है। दरअसल मामला यह है कि रविवार को जामुल परिषद में सभी के साथ साथ वाहन चालकों की भी छुट्टी रहती है, परंतु आवश्यक सेवाओं के लिए एक वाहन चालक को रखा गया है, परंतु वह भी अपना कार्य खत्म करके जा चुका था। इतने में परिषद के अध्यक्ष के पास वार्ड 9 से अरविंद यादव, जो पार्षद पति है, इनका फोन आया और पता चला कि उनके वार्ड में मुक्तांजलि वाहन की जरूरत है, जिसे लाने वाला कोई नहीं है। फिर क्या था, परिषद अध्यक्ष ईश्वर सिंह ठाकुर स्वयं मानवता का परिचय देते हुए मुक्तांजलि वाहन लेकर मौके पर पहुंचे और पार्थिव शरीर को मुक्तिधाम जामुल पहुंचाया।
ये बहुत ज़्यादा दिन की बात नहीं है, विगत कल की बात है। कल चूंकि रविवार का दिन था 7 तारीख की, और 2:30-3 बजे हम अपने घर में विश्राम कर रहे थे। उसी बीच में कल छुट्टी का दिन था चूंकि, तो हमको 9 नंबर के वार्ड पार्षद के पति ने, अरविंद यादव जी ने सूचना दी कि हमारे वार्ड में हमारे घर के सामने एक दिवंगत जी ख़त्म हो गए लड़के उनके, और हमने पालिका में सूचना दी थी लेकिन छुट्टी होने के नाते वहाँ कोई कर्मचारी उपलब्ध नहीं है। हमने भी फ़ोन किया तो लगभग जो सफाई कर्मचारी है उनका स्विच ऑफ था, तो ऐसी परिस्थिति बन गई कि एक मानवता के नाते हमको वहाँ जाना पड़ा। और हमने निर्णय लिया कि नहीं, खुद ही जाके हम मुक्तांजलि चला के वो शव को एक गति देने के लिए हमने काम किया। और ये कहाँ से आपको पता चले, ये हमको जानकारी नहीं है, चूँकि आप इस बात को बोल दिए तो हमको बताना पड़ रहा है। एक मानवता एक ऐसी चीज़ है जिसमें ना सब चीज़ को ताक में रख के उसको बढ़ चढ़ कर करने की एक आदमी की ललक होती है, और वही हमने किया। जुनवानी रोड स्मृति नगर सूर्या मॉल के सामने लगा भारतीय सिल्क एक्सपो इन दिनों शहर वासियों की पहली पसंद बना हुआ है। रोज शाम हजारों लोगों को यहां अपनी मनपसंद खरीदारी करते देखा जा सकता है। भारतीय सिल्क एक्सपो 2023 हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी जो कि इन दिनों सूर्या मॉल के सामने ग्राउंड में लगी हुई है, शहरवासियों की पहली पसंद बनी। इस प्रदर्शनी में 50,000 से ज्यादा वैरायटियां उपलब्ध है। त्योहारी सीजन में एक ही छत के नीचे 50,000 से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह उपलब्ध होने के कारण रोजाना हजारों की संख्या में यहां पर लोग पहुंच रहे हैं। श्री कृष्णा हस्तशिल्प ग्रामोद्योग समिति के तत्वावधान में लगी प्रदर्शनी में देश के विभिन्न राज्यों की विशाल श्रृंखला उपलब्ध है। जैसे बता दें, राजस्थान से जयपुरी बेडशीट टोप, राजस्थानी चुनर, सुपारी मुखवास, जयपुरी सूट है, तो वहीं उत्तर प्रदेश से लखनवी चिकन सूट, कुर्ता पैजामा, शर्ट, बनारसी सिल्क साड़ी है। हरियाणा से बेडशीट, कवर नेट, खादी ड्रेस मटेरियल सूट आदि है, तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली से हैंडलूम ड्रेस मटेरियल, फैंसी लेडीज टॉप, फैंसी लेडीज चप्पल, लेदर बैग, लेदर बेल्ट पर्स आदि है। तो साथ ही साथ कोलकाता से काथा सिल्क साड़ी, फैंसी ड्रेस मटेरियल, कोलकाता कॉटन साड़ी व टॉप कोलकाता जूट बैग है। महाराष्ट्र से फैंसी लेडीज चप्पल, स्पेशल कॉटन साड़ी एवं ड्रेस मटेरियल। तो साथ ही साथ गुजरात से बेबी ड्रेसिंग, दीवान सेट, गुजराती नमकीन, चनिया चोली, गुजराती टॉप आदि है। और बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर से कश्मीरी टॉप सूट, एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस, कारपेट, दुपट्टा, कश्मीरी शॉल है, तो कर्नाटक से कॉटन सिल्क साड़ी, चना पट्टनम टोयस, मैसूर अगरबत्ती, सूट पाचम पल्ली साड़ी आदि है। पंजाब से फुलकारी सूट, नाइट सूट, टी शर्ट, लेदर बैग। तो मध्य प्रदेश से चंदेरी सिल्क साड़ी, ड्रेस मटेरियल। बिहार से भागलपुरी सिल्क साड़ी, सूट, ड्रेस मटेरियल, मधुबनी पेंटिंग, आयुर्वेदिक हेयर ऑयल। हैदराबाद से नेचुरल पल्स, हैदराबादी मोती ज्वेलरी, हैदराबादी साड़ी, सूट, ड्रेस मटेरियल है। तमिलनाडु से विंडो कॉटन, डोर कॉटन, पिलो कवर, डोर मैट है, तो ओडिशा से क्रोएशिया बेबी सूट, टेबल मैट आदि है। इतना ही नहीं, सहारनपुर के खूबसूरत फर्नीचर सहसा ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। यहाँ खरीदारी करने आए लोग काफी संतुष्ट नजर आए, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया हमसे साझा की। भारतीय सिल्क एक्सपो के इसमें बहुत सारी दुकानें हैं और काफी अच्छे रेट में अवेलेबल है, जस्ट सूर्य मॉल के सामने में। अभी मैं अपने लिए क्या कुर्ता देख रहा हूँ, मुझे अच्छा लगा और रेट भी एकदम वाजिब है, तो आए जरूर बाकी लोग शॉपिंग करें। अभी मैम देख रहे हैं, जस्ट अभी इंटरव्यू है, उसके बाद देखते हैं पसंद आते हैं। जी मैं भिलाई से ही हूँ, कैंप एरिया जी, बहुत अच्छा है यहाँ का कलेक्शन, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्या लिया आपने? मैंने कुर्ता लिया है खादी का, और कुर्तीज़ भी देख रही हूँ, वो भी मतलब अच्छे हैं, रेट वाइज अच्छे लग रहे हैं। आप लोग भी आ सकते हैं यहाँ परचेज करने के लिए। मैं भारतीय सिल्क एक्सपो आया था अपने सब परिवार के साथ, मटेरियल अच्छा लगा, बढ़िया है, और देख रहे हैं अभी, खरीदे बच्चे के लिए और ख़रीदना है। और रेट कैसा लगा मैडम? रेट तो ठीक लग रहा है, अभी जो अभी देखें जिस हिसाब से। जी ये भारतीय सिल्क एक्सपो है, यहाँ बहुत सारे वैरायटीज़ की कुर्तियाँ हैं, मुझे तो बहुत सारी कुर्तियाँ बहुत अच्छी लगी, कॉलेज के लिए, डेली यूज़ के लिए। आप आइए और लीजिए। थैंक यू। दुकानदारों ने ही बताया कि उनके पास किस रेंज के, किस वैरायटी के सामान उपलब्ध हैं। रेड चिल्ली, ग्रीन चिल्ली और साबूदाना, सभी तरह की वैरायटी है मैडम। और मसाले हमारे अपा मसाला, वेज और नॉन वेज, रेडी टू रेडी है मैडम जी। बैटर बना के डायरेक्ट डीप फ्राई डीप फ्राई में
कश्मीरी साड़ीज मिलेगी, पश्मीना पे, क्राफ्ट लिनन पे, सिल्क पे और गंजा सिल्क पे, लाइट वेट में शॉल्स हैं, प्योर पश्मीना पे स्टॉल। दर्शकों को अभी यही ठंड में पश्मीना के शॉल्स हैं, साड़ीज है सिल्क में, यही सब उनके लिए लाते हैं नए नए क्वालिटी में, नए नए प्रिंट्स में। देख लीजिए बहुत सारे हैं हमारे पास, सब में कलर डिज़ाइन सब में मिलते हैं। फैब्रिक भी आपको 10 से 12 फैब्रिक मिलेगा, सब में कलर डिज़ाइन। इसके अंदर रखे शुगर बादाम रखे, पनीर का फूल रखे, इसके अंदर जामुन की गुठली रखे, इसके अंदर सब सफ़ेद मूसली सालम। सब क्या काम आता है? ये आता है ना सब मोटा बात, थायराइड के लिए, गैस के लिए, दर्द के लिए, सब जड़ी बूटी होता है आयुर्वेदिक। खूबसूरत बनाने वाले होता तो हम अंग्रेज बन जाते दीदी। ये पिंपल्स के लिए होता है, काले छाई के लिए होता है, बस उसके लिए होता है, ये गोरा के लिए नहीं होता है, वो वाली चीन नहीं होता है, ये सब देश। बनारस की साड़ी खादी कॉटन में, सिल्क में, बनारसी साड़ी सूट वगैरह सब आपको मिलेगा मैम, बहुत सारी वैरायटी है मैम, सूट साड़ी सब चलता है। ये सब आइटम ऐसा है कि यहाँ पे कस्टमर यहाँ पे जैसा है ना, वो रिस्पॉन्स यहाँ पे अच्छा मिलता है और अच्छा चल रहा है मैम, अभी तो रिस्पॉन्स अच्छा है। इसमें आपको बहुत सारी वैरायटी मिलेगी, आपको यहाँ पे हर शहर से लोग आए हैं, यहाँ पर हर वैरायटी लेकर बैठे हैं मैम, बेडशीट हो गया, साड़ी हो गया, भागलपुरी, सब सब वैरायटी, अलग अलग वैरायटी अलग अलग शहर से लोग लेकर आए हैं और सबकी वैरायटी जो है वो खुद बनाते हैं, खुद का मैन्युफैक्चर है, खुद बनाकर बेचते हैं। सहारनपुर का फर्नीचर है, यूपी सहारनपुर, ये सब हैंडवर्क है, पूरा हाथ से कारीगरी करी गई है, अच्छी अच्छी कारीगरी वहीं पर ही होती है ज़्यादा। चार्जेस भी रीजनेबल हैं, पूरा सेट आएगा काउच के साथ 25,000 रुपये का है, 10% डिस्काउंट जी। सोफे के साथ सेट के साथ टेबल फ्री में दे रहे हैं हम, सेंटर टेबल। भिलाई वासियों से कहना चाहेंगे कि एक बार जरूर आएं और देखें, पसंद आएगा, एंटिक चीज़ है, अलग सा ही हैंडीक्राफ्ट आइटम है, यहाँ पे जल्दी से अवेलेबल नहीं होता। भारतीय सिल्क एक्सपो हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी एकमात्र ऐसी प्रदर्शनी जिसमें एक ही छत के नीचे किफायती दरों पर हजारों वैरायटियां। तो देर किस बात की है, आप भी इस त्योहारी सीजन में अपने बजट के अनुसार मनपसंद खरीदारी करने भारतीय सिल्क एक्सपो अवश्य पहुँचे। हमारा पता भारतीय सिल्क एक्सपो, सूर्य मॉल के सामने, जुनवानी रोड, स्मृति नगर, भिलाई। ग्रैनीसीन न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद जामुल के अध्यक्ष ईश्वर सिंह ठाकुर के नेतृत्व में परिषद के संपूर्ण अधिकारी कर्मचारी गणों के साथ मिलकर परिषद के 20 वार्ड के पार्षदों ने मिलकर अहिवारा विधानसभा के ग्राम कोडिया में स्वच्छता अभियान चलाया और आम जनमानस को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कोडिया में इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक श्री प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा शिव पुराण का वाचन किया जा रहा है। इसमें पूरे देश भर से श्रोतागण पधार रहे हैं जिनकी वजह से यहां काफी गंदगी फैल जाती है। इसे देखते हुए नगर पालिक परिषद जामुल के अध्यक्ष ने सोमवार को परिषद के अधिकारी कर्मचारी एवं सफाई मित्रों के साथ सभी वार्डों के पार्षदों की टीम बनाकर निःशुल्क श्रमदान किया और स्वच्छता अभियान चलाकर आम जनमानस को स्वच्छता का संदेश भी दिया। जामुल परिषद की टीम द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान को देखकर स्वतः ही आम जनमानस भी इस मुहिम में जुड़ने लगे और उन्होंने भी श्रमदान कर इस अभियान को सफल बनाया। नगर पालिका परिषद जामुल के अध्यक्ष ईश्वर सिंह ठाकुर ने स्वच्छता अभियान के बारे में न्यूज टीम को जानकारी दी है। नहीं, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे अहिवारा विधानसभा के लिए एक बहुत ही खुशी का विषय है कि आज हमारे अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कोडिया में इतनी बड़ी कथा हो रहा है। वहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कथावाचक हैं सम्माननीय प्रदीप मिश्रा जी, जिनका कथा अभी 7 तारीख को चालू हुआ और वहाँ इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं कि वहाँ सफाई की व्यवस्था चरमरा गई है, लोग अव्यवस्थित कर डाले हैं, इतनी बड़ी भीड़ आ रही है। पता चला कि 6 लाख 7 लाख 8 लाख लोग करीब वहाँ कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। तो जैसे ही हमको पता चला तो आनंद फानंद में हम लोगों ने एक मानवता के नाते, हमारे क्षेत्र में इतनी बड़ी उपलब्धि है, भगवान का कथा हो रहा है, तो हम लोग वहाँ सेवा देने का एक निर्णय लिया और उसी के तहत आज सुबह 7 बजे पूरी स्वच्छता दीदियों के साथ हमारे जनप्रतिनिधि पूरे विश्व वार्ड के और साथ में हमारे यहाँ के नगर पालिका के अधिकारीगण सब मिल के एक भावना रखते हुए वहाँ जाकर 1-2 घंटे 3 घंटे की सफाई की मुहिम चलाई और एक बहुत अच्छा माहौल रहा वहाँ। हमको भी खुशी हुई कि भगवान के कार्य में हमारा भी कुछ अंशदान गया, तो एक प्रयास है अच्छा काम करने का और उसी के तहत ये किया गया।
नगर पालिका परिषद जामुल की टीम द्वारा किए गए इस पुनीत कार्य की चर्चा आज चारों ओर हो रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए जामुल से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहे ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। अब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।